पावर के साथ इसका माइलेज सब अच्छा ही बताते हैं। हाँ मतलब इसको गाड़ी को चलाने में भी जो मजा है वो, बाकी मैंने चला के देखी मतलब 160 सीसी के उसमें, इसमें जो मजा है वो नहीं ला पाए दूसरी गाड़ियाँ। और ऐसी गाड़ी में कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम आई अभी तक कि यार बहुत दिक्कत आ गई हो गाड़ी में? अब भाई ये बताओ कि 1.5 साल में इसका कैसा क्या मेंटेनेंस रहा? वही तो इसकी। हेलो गाइस, मैं हूं जय चौधरी। तो भाई आज अपने साथ है बजाज पल्सर N160 सीसी में। गाइस ये सबसे ज्यादा अपनी डिमांडिंग बाइक है और आज आपके लिए काफी यूनिक कंटेंट लेकर आए हैं, लॉन्ग टर्म ओनर्स व्यू शेयर करने वाले। मेरे फ्रेंड ने गाइस अपनी 1.5 साल पहले अपनी बाइक परचेस करी थी और 6,000 किलोमीटर अपनी चल गई है, तो भाई अपना एकदम जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए बाइक किसी का चॉइस होने वाली है सारी बात अपन करेंगे। तो फटाफट से गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और गाइस हम उज्जैन से बिलोंग करते हैं। जय श्री महाकाल भाई हो, बाकी आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो गाइस श्रेयांश भाई बाइक के ओनर हैं, और बताओ भाई क्या मजे चल रहे हैं? बस बढ़िया मजे, तू बता? सब आनंद मंगल, सब मजे। सबसे पहले तो भाई इसकी प्राइस बताता हूँ कि इस टाइम अपने कितने की पड़ी थी? 1.55 के आसपास। और गाइस बजाज की ये बात मुझे अच्छी लगती है कि अभी भी इसकी प्राइस 1.55 के आसपास ही है। वो उनने प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं करी, वो तो उसमें मामले में तो अच्छा बात है। इस बाइक की इतनी डिमांड है फिर भी इसकी प्राइस नहीं पड़ी है, तो ये अच्छी बात है। और अभी आप देखोगे तो अपने न्यू अपडेट्स भी आ गए, जैसे अपना E20 फुल सपोर्ट करती है, अपना DTS का इंजन हटा दिया है उसमें, और अपना डिजिटल अपना मीटर दे दिया है। बाकी तो कुछ बाइक में ऐसा मेजर अपडेट आया ही नहीं है। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात से अपन स्टार्ट करते हैं, लारो तो क्या माइलेज दे रही आ रही है? माइलेज तो ये 45 प्लस ही दे रही, मतलब 45-50 समथिंग निकाल देती गाड़ी, मतलब दिक्कत नहीं थी आराम से। अभी तक मैक्सिमम माइलेज इसने कितना दिया है? 50-51। हाँ वही 50-51, इससे ज़्यादा तो क्या यार, मेरे क्या ही उम्मीद करोगे स्पोर्ट बाइक से 160 सीसी से 50 पावर के साथ इसका माइलेज सब अच्छा ही बताते हैं। हाँ मतलब तो माइलेज से भाई सेटिस्फाइड? हाँ माइलेज से बिल्कुल सेटिस्फाइड। और कम से कम माइलेज कितना दिया गाड़ी ने? कम से कम में भी क्या यार, मतलब ऐसे देखा नहीं, कितना दे देती है एवरेज? 45 निकाल देती है। हाँ, और हाईवे पर 50 तक का? हाँ, हाईवे 50-51-52 ऐसे निकाल देती है, मतलब हिसाब से तो माइलेज अच्छा ही है। हाँ, अच्छा ही और क्या। और अभी आप नई वाली भी देखोगे तो वो भी इसके आसपास ही माइलेज देती है, ऐसा कुछ मेजर अपना डिफरेंस आया नहीं है। भाई ये बताओ कि 1.5 साल में इसका कैसा क्या मेंटेनेंस रहा? वही जो इसकी सर्विसेस रहती है, 3 सर्विसेस जो फ्री वाली सर्विसेज थी अभी तक हो चुकी है। पहले 1,000 किलोमीटर पे, फिर 2,500 रुपए, फिर 5,000 रुपए, ये 3 सर्विसेज निपटा चुके हैं। और बाकी कुछ खास दिक्कत दी नहीं, तो ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगा नहीं, एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं लगे आपने, बस सर्विस का ही खर्चा है। सर्विस खर्चा है। और ऐसी गाड़ी में कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम आई अभी तक कि यार बहुत दिक्कत आ गई हो गाड़ी में? नहीं, जैसे गाड़ी में दिक्कत तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, बढ़िया चली प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। और जैसे बजाज की सर्विस की भी काफी मारा मारी रहती है, तो ऐसा कुछ इशू फेस करना पड़ा है कि यार सर्विस अच्छी नहीं मिली? हाँ मतलब जो ऐसे सर्विस सेंटर वगैरह के उसमें थोड़े इश्यूज आए, बाकी तो ठीक ही है। बजट फ्रेंडली गाड़ी अपने लिए, बजट फ्रेंडली, माइलेज भी अच्छा दे रही है और मेंटेनेंस भी ऐसा कुछ ज्यादा हाई अपना है। बिल्कुल सही बात है। चलो मेंटेनेंस तो अच्छा है, बाकी बजाज की सर्विस कहीं मारा मारी भी बहुत रहती है, अभी तक ऐसा इशू फेस करना पड़ा है कि यार दिक्कत आ गई सर्विस में? हाँ वही सर्विस सेंटर के थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स वगैरह है वही उसमें, मतलब कि आप लेट हो गए ये वो, थोड़ा उनके नाटक है, बाकी तो ऐसे मेन सर्विस बस यार आफ्टर सेल सर्विस और बजाज थोड़ी अपनी इंप्रूव कर लेना तो फिर एक नंबर काम हो जाए। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे भाई। और गाड़ी में सब कुछ अभी तक मेजर प्रॉब्लम आई है क्या कि यार दिक्कत आ गई है गाड़ी? नहीं नहीं, मतलब अभी अपन ने चलाई भी ढंग से तो कोई दिक्कत भी नहीं, मतलब कुछ अपन मारा मारी करके चलाओ तो दिक्कत देती है, नहीं तो ऐसे तो बढ़िया चल रही है, अपन ने बड़ा इशू आराम से चला पड़ा। ये बात तो भाई ने गाड़ी अच्छी खासी मेंटेन करके रखी है, कलर भी आप देखो अभी अपना बढ़िया शाइन कर रहा है, एकदम चकाचक रखी है अभी तक गाड़ी। और जैसे अभी तक अभी तो भाई अपनी N150 भी आ गई है, तो आप N150 लोगे या फिर N160 लोगे अगर अभी आप लेने का प्लान करोगे तो? देख अगर मेरे हिसाब से देखो जो देखने जाऊँ तो मैं तो वापस N160 ही लूंगा, क्योंकि उसमें डुअल चैनल ABS नहीं है। हाँ। सेफ्टी पर्पज से वो कम कर दिया उनने, तो उसका मीटर है वो एनालॉग प्लस डिजिटल है, उसमें सिर्फ डिजिटल है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब अजीब सा ही कर दिया उनने, ये इतना प्यारा सा लगता है। और N160 में भी यार डिजिटल दे दिया, अब ये तो देखो सबकी पसंद अलग अलग रहती है, किसी को अपना डिजिटल पसंद आएगा तो किसी को अपना ये मीटर पसंद आएगा। सही बात, मुझे भी पर्सनली यार अपना पुराना मीटर ही अच्छा लगता है, इसको देख के जो चलानी फील आती है ना उसकी बात अलग रहती है। ये बात है कि उसका सिटिंग पोस्चर थोड़ा और अपना कंफर्टेबल है, उसका हैंडल बार थोड़ा सा और ऊपर है, उसमें आपको सिंगल सीट अपनी आ जाती है, उसमें किक आ जाती है, ये चीज़ें उसमें मुझे अपनी प्लस पॉइंट लगती है, बाकी चलाने में फील तो इस बाइक को ही आता है। तो भाई आप N160 लेते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। ऐसे कुछ अलग हटके बातें बताओ कि यार दूसरी गाड़ियों से ये बाइक एक अलग हटके चले जाती है। पहले तो वही कि मतलब वो 160 सीसी के उसमें पहली गाड़ी थी जो डुअल चैनल ABS लेके आ रही थी। हाँ। फिर उसके बाद में लुक वाइज भी क्या ही बात करो इस गाड़ी की, तो मतलब लुक पे तो भाई ना यार फिर तो दिमाग खराब हो जाता है। स्पेशली आप ब्लैक कलर देख सकते हो कितनी बीस्ट बाइक लगती है लुक के कारण। देखो इसका सबसे बड़ा रीजन इसको खरीदने का लुक ही हो जाता है, इतना शानदार अपने को इसमें लुक्स मिल जाते हैं। और ऐसी खास बातें बताओ कि यार ये गाड़ी एकदम अलग हटके यार, दूसरी गाड़ी लेनी नहीं है ही लेनी, मतलब इसको गाड़ी को चलाने में भी जो मजा है वो, बाकी मैंने चला के देखी मतलब 160 सीसी के उसमें, इसमें जो मजा है वो नहीं ला पाए दूसरी गाड़ियाँ।
और इसकी रॉ फीलिंग की भी बात अलग ही है, एकदम पावरफुल बाइक तो अपने को लगी जाती है। जैसा कि भाई तुमने बताया कि ऐसा कुछ बड़ा इशू अभी तक फेस नहीं करना पड़ा है, पर कुछ छोटी मोटी नेगेटिव्स बताओ क्या, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स? छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में एक ही बता सकते हैं, इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम है, मतलब थोड़ा जो नॉर्मल गाड़ियों से इसका टर्निंग रेडियस कम है, तो पापा भी चलाते हैं, पापा भी यही बोलते हैं कि इसका टर्निंग रेडियस बड़ा कम है, तो दिक्कत आती है। और तो हाँ, जो मतलब पोस्चर के हिसाब से बोल सकते हैं, लोगों को अलग अलग लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा है, कुछ लोगों के हिसाब से बेकार है, तो डिपेंड्स। जैसे अभी तक ऐसी कोई लंबी राइड पे गए हो क्या, लगातार एक बैठक में बाइक चलाई हो? 100 किलोमीटर के आसपास चलाई है, तो मतलब वही है, थोड़ा बहुत थक जाते हैं, तो उतर के रेस्ट ले लिया, फिर चला लिया। कुछ हीटिंग इश्यू फेस करना पड़ा है क्या अभी तक? गाड़ी अच्छी खासी हीट कर रही हो? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, नहीं कर रहा। और जैसे मैंने काफी सारे नेगेटिव N160 के भी देखे कि बारिश में इसमें पीछे कीचड़ काफी उड़ता है। यार मैंने तो जितने बिठाया लोगों ने आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला यार, मतलब या तो शायद चलाने की बात होगी कि लोगों ने कैसे अजीब से चला रहे मिले, क्योंकि मेरे जैसे भी चलाई ना, तो उसमें तो अभी तक कोई ऐसी इशू नहीं आया कि वो पीछे वाला बोल रहा है कि गाड़ी गंदी हुई, या फिर अब तुम पानी में से कीचड़ के अंदर से निकालोगे तो फिर वो अलग बात है, ऑफ रोडिंग कर रहे हो एकदम कतई तो प्रॉब्लम दे सकता है। देखा जाए तो भाई इसका कुछ ऐसा बड़ा नेगेटिव है नहीं कि यार अपना ये गाड़ी नहीं ले या फिर ऐसा कुछ अपना मूड चेंज हो जाए, ज्यादातर तो इसके अपने पॉजिटिव्स ही है। और यार मुझे इसकी एक बात तो सबसे खास लगती है कि इसकी यार लाइट्स का है यार, मतलब इसकी जो प्रोजेक्टर का जो अपना सेटअप दे रखा है ना LED में, क्या थ्रो मिलता है, आपको सबसे बेस्ट थ्रो मिलता है इस बाइक में। ये तो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मतलब एकदम अंधेरे उसमें भी चला रहा हूँ, एकदम अंधेरे रोड पे चला रहा हूँ, तो अपना लाइट अच्छी लंबी दूर फेंकेगी वो। हाँ, लाइट्स तो आपको इसमें सबसे अपनी बेस्ट मिल जाती है, और ज्यादा आपको फीचर्स की भी वैसे कमी नहीं लगेगी, आपको बढ़िया यहाँ पर अपना USB पोर्ट तो मिल जाता है, बाकी इसमें अपने वो कनेक्टेड फीचर्स तो अपने नहीं मिलते हैं, बाकी अभी जो अपनी नई वाली आ गई है उसमें भी मिल जाते हैं, तो फीचर्स भी अब इसमें अपने फुलफिल कर दिए, बाकी बस इसमें अपनी N160 में भी अपना थोड़ा सिंगल सीट का ऑप्शन दे दे तो और अपना बढ़िया काम हो जाए। कि लोगों उसको मतलब जो प्रोजेक्टर लैंप है उसको देख के लगता है कि थोड़ा कम दूर फेंकता होगा लाइट, थोड़ा कम फेंकाता होगा, बाकी फिर उनको दिखाना पड़ता है कि ये देखो कितने दूर फेंक रही है बढ़िया। और उसकी गियर शिफ्टिंग कैसी बढ़िया ही है? हाँ, गियर शिफ्टिंग भी एकदम प्यारी, एकदम स्मूथ चलती है, गियर शिफ्टिंग वैसे प्यार से एकदम बढ़िया है। और इसका सस्पेंशन जो अपना पीछे का है वो बढ़िया है, ऐसा सॉफ्टर साइड है, स्टीफर साइड है, सॉफ्टर साइड ही कह सकते हैं, मतलब अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, तो भाई आपने कोई भी N160 या फिर N150 लेने का प्रेफर करता है तो आप क्या रिकमेंड करोगे? मैं तो सामने वाले को ये बोलूंगा कि भाई N160 पे ही जाओ। आपने जितनी भी बाइक्स देखी थी उनमें सबसे ज्यादा अच्छी है? हाँ, लुक वाइज भी और फीचर, मतलब फीचर तो हाँ फीचर कम है, बाकी माइलेज, बाकी माइलेज हो गया, कंफर्ट हो गया, सब कुछ इसमें अपने को बढ़िया लगा। ये था ना श्रेयांस भाई का एक्सपीरियंस, 1.5 साल भाई को हो गए अपने चलाते चलाते, गाड़ी बढ़िया माइलेज भी दे रही है, लुक के मामले में उसका तो कोई तोड़ है नहीं, ब्रेक भी इसके काफ़ी अपने बढ़िया है, लाइट्स का थ्रो भी काफ़ी अच्छा है, तो ओवरऑल अपने लिए 160cc में काफ़ी एकदम परफेक्ट बाइक बन जाती है। बाकी ओवरऑल आपको ये बाइक किसी लगती है वह कॉमेंट करके आप जैसे बताना। वीडियो का इस यहाँ पर अपन एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, भाई सब्सक्राइब नहीं करो तो मजा से नहीं आएगा, इसलिए फटाफट से गाइस चलो सब्सक्राइब कर लो। इंटरेस्टिंग वीडियो में देखने के लिए थैंक यू सो मच।